हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू कॉल के बारे में। यानी कि दोस्तों, इस बार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज इन तीन सब्जेक्ट का आपको कट ऑफ है जो है यहाँ पर बताया जाएगा। और दोस्तों, पिछली बार इनका क्या कट ऑफ रहा था, क्या पोस्टें थी और इस बार कितनी पोस्टें हैं, इस बार कितना कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है, तो दोस्तों वो सारी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहना है। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस बार का नोटिफिकेशन है, यानी कि 2023 का असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफिशियल है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि जो एबीएसटी है उसमें इस बार लगभग 86 पोस्टें आई थी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 71 पोस्टें आई थी और ईएफएम में यहाँ पर 70 पोस्टें। तो दोस्तों, ये इस बार की पोस्टें हैं और जो पिछली बार क्या पोस्टें आई थी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है 2020 का और इसमें पिछली बार क्या पोस्टें आई थी आप देख सकते हो। एबीएसटी में 82 आई थी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127 आई थी और यहाँ पर ईएफएम में यहाँ पर 56 पोस्टें आई थी। एक चीज़ दोस्तों आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इस बार जो है काफ़ी कम पोस्टें आई है और पिछली बार उसमें 127 पोस्टें थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा जो कट ऑफ है वो हार्ड रहने वाला है, वो मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो अकाउंट एंड बिजनेस स्टैटिक्स है उसका मैं आपको यहाँ पर जो कट ऑफ है इंटरव्यू का वो बता देता हूँ। दोस्तों, पिछली बार इन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लगभग 399 ये जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे और इस बार कितने को बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हो कि 2020 में 82 पोस्ट के लिए यहाँ पर 4.74 गुना कैंडिडेट को पास किया गया था, यानी कि 399 कैंडिडेट को, इतने कैंडिडेट को बुलाया गया था। और अगर हम इस बार देखें 86 पोस्ट हैं, यानी कि 4 पोस्टें ही केवल ज़्यादा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर 4 टाइम्स, यानी कि दोस्तों 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर अगर बुलाया जाए तो लगभग 344 कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों 300 से लेकर के यहाँ पर 350 तक या 60 तक जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो एबीएसटी है उसमें बुलाए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। और जो कट ऑफ है वो आपका क्या रहने वाला है, लेकिन पिछली बार दोस्तों 119.08 जिसके बन रहे थे उनको जनरल में, ईडब्ल्यूएस में और जो ओबीसी है इसमें बुला लिया गया था। यानी कि दोस्तों, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का समान कट ऑफ गया था, केवल जो विडो कैटेगरी और जो वीमेन कैटेगरी है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है और जो बाकी की जो एससी एसटी कैटेगरी है उसमें 104 और 93 यानी कि 93 पे बुलाया गया था। तो दोस्तों, एबीएसटी में इस बार जो है जनरल की कट ऑफ लगभग 115 से लेकर के 120 के बीच में यहाँ पर रहने वाली है और ईडब्ल्यूएस की भी यही रहेगी और ओबीसी के भी जो कट ऑफ है वो यही रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, जो एससी एसटी है यानी कि जो एससी की है वो लगभग 100 के करीब रहने वाली है और एसटी की जो कैटेगरी है वो 90 के करीब यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ये 100 से कम नहीं जाएगी, 100 से एक दो ज़्यादा ही जाएगी और ये 90 से एक या डेट जो है ज़्यादा जा सकती है, इससे कम नहीं जाएगी ये। और इसमें जो एमबीसी कैटेगरी है दोस्तों, इसमें पिछली बार 110 पे गया था एबीएसटी का कट ऑफ, इस बार ये 108 से लेकर के 112 के बीच में जाने वाला है एबीएसटी, ये एमबीसी का कट ऑफ है। और बाकी आप जो है विडो कैटेगरी का आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी कम जा रहा है विडो कैटेगरी का। इसके साथ में दोस्तों, ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या कट ऑफ रहा था पिछली बार आप देख सकते हो, इन कैंडिडेट को इसमें बुलाया गया था और इसमें लगभग आप देखें तो 509 कैंडिडेट को पिछली बार बुलाया गया था, ये ऑफिशियल डाटा है। यानी कि 127 पोस्ट के लिए यहाँ पर 4 गुना कैंडिडेट को अगर पास किया गया है तो 509 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। लेकिन दोस्तों, इस बार आप देख सकते हो कि 71 पोस्टें हैं, पिछली बार 127 पोस्टें थी और अगर 4 गुना को अगर अपन देखें तो लगभग 284 कैंडिडेट को इस बार बुलाया जाएगा। ये दोस्तों, ये आंकड़ा 250 से लेकर के 300 के बीच में रहने वाला है, इससे ज़्यादा कैंडिडेट को या इससे कम कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू में जो है बुलाया नहीं जाएगा, लगभग 250 से 300 के बीच में ही बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जनरल का पिछली बार 101 पे कट ऑफ रहा था और ईडब्ल्यूएस का भी 101 पे था तो ओबीसी का भी 101 पे था। इस बार दोस्तों, ये जो कट ऑफ है वो 110 से लेकर के 120 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पर है, इसलिए ये कट ऑफ इनका रहेगा जनरल का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का 110 से 120 के बीच में यहाँ पर रहने वाला है। और बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों, यहाँ पर एससी कैटेगरी का इस बार जो है 95 से लेकर 100 के बीच में रहने वाला है और एसटी कैटेगरी का यहाँ पर दोस्तों 75 से लेकर 80 तक यहाँ पर जो है एसटी कैटेगरी का रहने वाला है। यानी कि दोस्तों, एसटी का, चाहे एससी का है, चाहे ओबीसी का है, चाहे ईडब्ल्यूएस का है, चाहे जनरल का, इनका सभी का इस बार कट ऑफ बढ़ने वाला है
और एमबीसी का जो कट ऑफ है दोस्तों इस बार 95 से लेकर के 100 के बीच में ये एमबीसी का जो कट ऑफ है वो रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है काफ़ी कम पोस्ट आई थी और कैंडिडेट जो है इस बार ज़्यादा बैठे हैं, इसलिए इनका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर ईएफएम का, तो दोस्तों ईएफएम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग 353 कैंडिडेट को पिछली बार यहाँ पर एग्ज़ाम में बुलाया गया था, और इस बार दोस्तों कितने को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछली बार 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 56 पोस्टों पर 6.30 गुना कैंडिडेट को बुलाया, जिसमें 353 कैंडिडेट ये बनते हैं, और इस बार दोस्तों यहाँ पर 70 पोस्टें हैं और अगर 6 गुना को ये बुलाते हैं तो लगभग 420 कैंडिडेट होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों ईएफएम में 400 से लेकर के 480 या 470 तक यहाँ पर कैंडिडेट को इस बार जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है पिछली बार जनरल की 80 पे रही थी, ईडब्ल्यूएस की भी 80 पे, और जो एससी और एसटी है उसमें एसटी की लगभग 80 के करीब ही रही थी और एससी की 75 पे रही थी। ओबीसी की भी यहाँ पर 80 पर है, तो एमबीसी की भी यहाँ पर 76 यानी कि 80 के करीब ही है। इस बार दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो जनरल है चाहे ईडब्ल्यूएस है चाहे ओबीसी है, तो दोस्तों इनका इस बार कट ऑफ 75 से लेकर के वही 80 के करीब इनका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। साथ ही दोस्तों जो एमबीसी कैटेगरी है उसका 70 से लेकर के 73 तक जो है यहाँ पर इनका कट ऑफ रहने वाला है, और जो एससी और एसटी कैटेगरी है दोस्तों तो एसटी का यहाँ पर जो है 75 के करीब रहेगा और एससी का यहाँ पर 70 के करीब जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। ये दोस्तों इस बार इंटरव्यू के लिए कट ऑफ रहेगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि आपका चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है उसमें 20 नंबर से लेकर 40 नंबर तक यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में बढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों मान लो इंटरव्यू में आपका 100 नंबर पे हो रहा है तो हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट 140 तक भी जा सकता है, यानी कि दोस्तों कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 20 से लेकर के 40 या 45 तक नंबर यहाँ पर बढ़े हैं, और इस बार भी यही कट ऑफ रहने वाला है। वो इसलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें इंटरव्यू अलग होता है और इंटरव्यू के नंबर यहाँ पर जुड़ने पर वो 20 से 40 के बीच में बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।